दोस्तों आज TNPL का मैच नंबर 28 खेला जाएगा NRK और आपका VDY के बीच में। इन दोनों टीमों के बीच ये मुकाबला होने वाला है, तो इसकी मैं आपको फैंटेसी की सारी अपडेट लेकर आया हूँ। किस तरीके से आपको टीम बनानी है, कौन कौन से प्लेयर को टीम में रखना है, प्लेयर के स्टैट्स क्या है, ग्राउंड की रिपोर्ट क्या है, नोटिसेबल पॉइंट्स क्या है, सारी जानकारी हम इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। और टीम न्यूज क्या है, तो आप वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना, आपको यहाँ से बेहतर टीम बनाने के लिए हेल्प मिलेगी। तो चलो गाइस, बिना किसी देरी के इस वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। मैच नंबर 28 खेला जाएगा आपका शाम 7:15 पर, ठीक है। कौन कौन सी टीम है, तो VTY और आपकी NRK की टीम। अगर हम टीम न्यूज की बात करें गाइस, तो VTY की जो टीम है, इन्होंने इस सीजन में टोटल 6 मैच खेले हैं और 6 मैचों में से एक भी मैच VTY की टीम ने नहीं जीता है, ठीक है। और इनके पॉइंट टेबल में जो अंक है वो 0 अंक है इसी तरह से। आगे बात करते हैं NRK की टीम की, तो NRK की टीम ने टोटल 6 मैच खेले हैं और इन्होंने 6 मैच खेलकर 4 मैच जीते हैं, ठीक है। तो वहीं एक तरफ ऐसी टीम है जिसने एक भी मैच नहीं जीता है, वहीं दूसरी तरफ एक ऐसी टीम है जिसने 4 मैच जीते हैं 6 में से, ठीक है। लेकिन आपकी NRK की टीम है वो भी हार के बाद आ रही है और वो तो हारते ही आ रही है, तो दोनों टीमें अपनी प्लेइंग 11 में चेंजेस कर सकती हैं। चलो गाइस, अब बिना किसी देरी के हम चलते हैं प्रोबेबल प्लेइंग 11 की तरफ कि दोनों टीमों की प्लेइंग 11 क्या रह सकती है। सबसे पहले अगर हम बात करें VTY की, तो गंगा श्रीधर राजू, राजकुमार के, ठीक है, ये दोनों ओपन करेंगे। और काराम रंबिल मुनिस, डैरी फरारियो, आर राजकुमार, एंटोनी दास, जफर जमाल, के मानी भारती, पी फ्रांसिस रॉकिंस और आपके एस सिलंबरम, बाकी टी नटराजन। इस तरीके से प्लेइंग 11 हो सकती है आपकी VTY की टीम की। बाकी ये एक आध दो चेंजेस कर सकते हैं, या तो फिर आपके जफर जमाल बाहर होंगे, ठीक है, या फिर आपके फ्रांसिस रॉकिंस बाहर होंगे। अब आपको पता लग जाएगा कौन बाहर होंगे स्टैट्स देखकर। चलो गाइस, आगे बात करते हैं आपकी NRK की टीम की, तो अरुण कार्तिक, श्री निरंजन आर, ऋतिक ईश्वरन, जी अजितेश, लक्ष्मेशा सूर्य प्रकाश, पी सुगेंद्रम, सोनू यादव, NS हरी सिंह, M कोयमोजी, संदीप वरिया और S लक्ष्यजन। S लक्ष्यजन जो है वो आपके एज एन इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पे यूज होंगे। तो गाइस, इस तरीके से दोनों टीमों की प्लेइंग 11 हो सकती है। बाकी आगे चलते हैं पिच रिपोर्ट की तरफ। देखो, वेन्यू जो है, यानी कि मैच जो आपका खेला जा रहा है, वो आपका इंडियन सीमेंट कंपनी क्रिकेट ग्राउंड में खेला जा रहा है, ठीक है। यहाँ की जो पिच है वो आपकी बैलेंस पिच है, यानी कि गेंदबाजी में भी हेल्प करती है और आपकी बल्लेबाजी में भी हेल्प करती है। पहली इनिंग में जो एवरेज स्कोर बनता है इस ग्राउंड के ऊपर वो 142 के लगभग इस सीजन में बन रहा है, लेकिन पहले जो स्कोर था यहाँ पर 129 के लगभग बनता था, ठीक है। आगे पेसर्स और स्पिनर दोनों को हेल्प करती है पिच, ठीक है। पेसर्स को भी यहाँ पर हेल्प है और आपकी स्पिनर को हेल्प है। और जितने भी मैच अब तक खेले गए हैं उनमें हमें एक चीज कॉमन देखने को मिली है कि जो टीम पहले बैटिंग कर रही है वो आपके अगर 150 से ऊपर रन बना देती है या फिर 140 से ऊपर का स्कोर बना देती है, तो फिर वो टीम डिफेंड कर लेती है आराम से। तो जो टीम पहले बैटिंग करती है वो उसके जीतने के चांसेस ज़्यादा होते हैं अगर उसने 140-145 के रन बना दिए, और दूसरी टीम जो बाद में बैटिंग करती है उनके 9 से लेकर 7 विकेट तो गिरते ही गिरते हैं, ठीक है। और कभी कभी हमें ऑल आउट देखने को भी मिल रहे हैं। तो जो टीम पहले बैटिंग करेगी उसके बॉलर्स को हमें ज्यादा रखना है, क्योंकि अगर वो सेकेंड इनिंग में बॉलिंग करवा रहे हैं तो फिर हमें विकेट ज्यादा दिला के जाएंगे वो प्लेयर। तो इतनी बात आप याद रखना, जो टीम पहले बैटिंग करे, यानी कि जो बाद में बॉलिंग करवाए, तो उसके बॉलर्स को हमें ज्यादा रखना है, ठीक है। अब गाइस, आगे बात करते हैं प्लेयर्स के स्टैट्स की, जहां से आपको पता लगता है कौन सा प्लेयर फॉर्म में है, कौन सा प्लेयर ड्रॉप चल रहा है, किसको आपको टीम में रखना है, किसे आपको ड्रॉप करना है, ठीक है। लेकिन इससे पहले गाइस, आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लो, और फाइनल टीम के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, तो आप टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपको फायदा ये होगा कि जैसे ही टॉस होता है, यानी कि लाइनअप अनाउंस होते हैं, आपको वहां पर टीम मिल जाती है। चलो गाइस, अब बात करते हैं आपके प्लेयर्स के स्टैट्स की। तो देखो, गंगा श्रीधर राजू, तो 6 रन 58 रन 20 रन 0 रन और 7 रन, इस तरीके से परफॉर्मेंस है आपकी गंगा श्रीधर राजू की, यानी कि इनका एक मैच अच्छा गया है, बाकी सारे मैच इनके खराब गए हैं, तो इनको आप थोड़ा सा रिस्की साबित होंगे। और VTY के जितने कम प्लेयर्स हो सके उतने कम प्लेयर रखना, जो फॉर्म में है वही प्लेयर को आपको अपनी टीम में रखना है, इनके ऊपर हम रिस्क नहीं ले सकते,
क्योंकि रिस्क लेकर हम क्या करेंगे, 6 मैचों में तो कुछ कर नहीं पाए, इस मैच में क्या करेंगे। ठीक है, राजकुमार की बात करें तो 4 रन 4 रन 29 रन 22 रन और 9 रन। अगर आप गंगा श्रीधर राजू को रख रहे हो, इनसे बढ़िया आप राजकुमार को रख लेना। ठीक है, डैरिल फेरेरियो की बात करते हो तो 29 रन 0 रन 42 रन 21 रन 45 रन प्लस 1 विकेट। कोई बंदा अगर है जिसने भी टीवाई की इज्जत बचाई हुई है तो वो आपके डैरिल फेरेरियो है। ठीक है, इनको आप अपनी टीम में रख लेना, और कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए तो ये ठीक चॉइस नहीं है। ठीक है, आर राजकुमार की बात करते हैं तो आपके 15 रन और फिर आपके 31 रन 1 रन 0 रन और फिर आपके 1 रन, इस तरीके से आर राजकुमार है। एंटोनी दास की बात करें तो 12 रन 9 रन 25 रन प्लस 1 विकेट 3 रन फिर आपके 0 रन। ठीक है, आगे है के मानी भारती, 2 रन 40 रन 0 रन 0 रन और फिर आपके 48 रन। यानी पिछला वाला जो मैच खेला था उसमें ठीक ठाक रन बनाए थे, बाकी इनके मैच खराब गए हैं। और आगे बात करते हैं पी फ्रांसिस रॉकेंस की, 17 रन 8 रन 16 रन 1 रन और 18 रन, इस तरीके से इनकी परफॉर्मेंस है, तो आप इनको भी ड्रॉप कर देना। आगे है आर लमरसन, 1 विकेट 1 विकेट 1 विकेट और पिछले 2 मैचों में 0 0 विकेट, तो इनको भी आप ड्रॉप कर सकते हो, ज़्यादा खास परफॉर्मेंस इनकी भी नहीं है। आगे फिर इनके टी नटराजन भी है, टी नटराजन की कोई खास परफॉर्मेंस नहीं, टी नटराजन भी आपके 1 विकेट 1 विकेट 0 विकेट फिर 1 विकेट फिर 1 विकेट, यानी कि हर एक मैच में 1-1 विकेट ले रहे हैं, और अब तक जितने मैच खेले हैं उनमें से एक मैच है ऐसा है जिनमें से ये विकेट लेस गए, बाकी विकेट लेस ही जाते नहीं है। ठीक है, तो टी नटराजन को आप टीम में रख सकते हो, बाकी फ्रांसिस को टीम में रखना रिस्की होगा, सिलम्बरसन को आप टीम में रख सकते हो, और डैरिल फेरारियो को टीम में रख लेना। ठीक है, और इसके बाद आप राजकुमार को टीम में रख लेना, तो 4 प्लेयर ज्यादा से ज्यादा रखना बीटी भाई से, बाकी जो प्लेयर आपको रखने हैं वो रखने हैं आपके एनआरके की टीम से जो कि ऑलरेडी पहले से फॉर्म में है। दोस्तों अब आगे बात करते हैं नेल्लाई रॉयल किंग्स के प्लेयर्स के स्टैट्स की, तो सबसे पहले जो नाम है वो है अरुण कार्तिक का। अरुण कार्तिक 39 रन 104 रन नॉट आउट, फिर आपके 0 रन फिर 4 रन फिर 0 रन फिर 32 रन, इसके बाद 85 रन। तो मतलब ओवरऑल देखा जाए तो इनके 3-4 मैच अच्छे गए हैं, यानी कि सिर्फ 3 मैच खराब गए हैं, बाकी इनके सभी मैचों में बढ़िया परफॉर्मेंस है। ठीक है, तो इनको आप कैप्टन वाइस कैप्टन करना चाहो कर सकते हो, रख सकते हो, इनके ऊपर भरोसा आप कर सकते हो। आगे जो नाम है वो है आपका श्री निरंजन का। श्री निरंजन की बात करें तो 6 रन 24 रन 14 रन 13 रन 25 रन फिर आपके 15 रन फिर 34 रन फिर 1 विकेट, ठीक है, इस तरीके से इनकी परफॉर्मेंस है, तो श्री निरंजन आर भी बढ़िया आपके लिए पिक हो सकते हैं अगर आप कंपेयर करो बीटी से। ठीक है, आगे चलते हैं हम ऋतिक ईश्वरन की तरफ, तो ऋतिक ईश्वरन का जो रिसेंट फॉर्म चल रहा है वो 18 रन 26 रन 18 रन 15 रन 3 रन, इस तरीके से इनकी परफॉर्मेंस है, यानी कि आप इनको ड्रॉप करना चाहो ड्रॉप कर सकते हो। ठीक है, अगर आप ग्रैंड लीग वगैरह की टीम बना रहे हो तो फिर इनको यूज कर लेना, वरना आप इन्हें ड्रॉप कर देना। आगे हैं आपके जी अजितेश 17 रन 3 रन नॉट आउट 39 रन 20 रन 112 रन 14 रन और फिर आपके 1 रन। देखो एनआरके की जो टीम है इनके 2 प्लेयर्स ने शतक लगाए हैं। ठीक है, एक तो आपके हैं आपके जी अजितेश और अरुण कार्तिक। ठीक है, ये 2 प्लेयर हैं इन्होंने शतक लगाए हुए हैं TNPL के अंदर, तो इनको आप टीम में रख सकते हो, और अच्छी खासी परफॉर्मेंस है आपकी जी अजितेश की, तो जी अजितेश को आप टीम में रख लेना। अब आगे बात करते हैं तो लक्ष्मेशा सूर्यप्रकाश का जो है 0 रन, फिर उन्होंने बैटिंग नहीं आई थी, फिर उसके बाद 32 रन फिर 10 रन फिर 25 रन फिर 19 रन फिर 45 रन फिर 18 रन, ओवरऑल देखा जाए तो काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस है, मतलब कम खेल रहे हैं लेकिन अच्छा खेल रहे हैं। ठीक है, यानी कि छोटी छोटी पारियां हैं लेकिन तेज पारियां हैं। निधीश राजगोपाल 13 रन, बैटिंग नहीं आई थी, फिर उसके बाद 42 रन फिर 9 रन फिर 0 रन, इनको देखा जाए तो 2 मैच इनके ठीक ठाक गए हैं, बाकी 3 मैच इनके खराब गए हैं। ठीक है, और इसके बाद आगे आपके सोनू यादव की बात करें तो आपके 23 रन प्लस 0 विकेट फिर 0 विकेट फिर आपके 8 रन फिर आपके 35 रन प्लस 2 विकेट 20 रन प्लस 1 विकेट 13 रन प्लस 2 विकेट 29 रन प्लस 0 विकेट। अगर आप एक सेफ कैप्टन वाइस कैप्टन ढूंढ रहे हो तो सबसे बढ़िया आपके लिए पिक हो सकते हैं सोनू यादव। ठीक है, वाइस कैप्टन के लिए तो एकदम बढ़िया पिक है, अगर मतलब रन नहीं बना रहे हैं तो फिर आपके विकेट ले रहे हैं, और विकेट नहीं ले रहे हैं तो फिर आपके रन बना रहे हैं, तो आप सोनू यादव को टीम में रख सकते हो, और कैप्टन वाइस कैप्टन करना चाहो तो वाइस कैप्टन कर सकते हो। मेरे ख्याल से ये वाइस कैप्टन आप करते हो तो फिर आपके लिए बढ़िया चॉइस रहेंगे। हरीश एनएस की बात करते हो तो 34 रन प्लस 0 विकेट
फिर आपके जीरो विकेट, फिर आपकी बैटिंग नहीं आई थी, फिर उसके बाद भी बैटिंग नहीं आई थी, फिर तीन रन प्लस जीरो विकेट, एक रन प्लस जीरो विकेट, फिर आपके एक रन एक विकेट, तो इनको आप ड्रॉप कर देना, ठीक है, ये उतने ज़्यादा खास नहीं होने वाले हैं। आगे है एम पोएमोजी। एम पोएमोजी जो है इन्होंने आपके एक विकेट, तीन विकेट, जीरो विकेट, फिर आपके जीरो विकेट, उसके बाद तीन विकेट, फिर दो विकेट, फिर दो विकेट, फिर तीन विकेट, ऐसा कोई मैच नहीं गया है जिसमें इस बंदे की बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं रही है, अगर एक मैच को छोड़ दें तो, ठीक है, एक दो मैच इनके खराब गए, बाकी हर एक मैच में दो से तीन विकेट लिए हैं। तो अगर आप ग्रैंड लीग वगैरह की टीम बना रहे हो, सेफ टीम भी बना रहे हो, तो इनको आप जरूर रखना, और कैप्टन करना चाहो तो ग्रैंड लीग में कैप्टन कर सकते हो, आपके लिए बढ़िया पिक रहेंगे, ठीक है। आगे है आपके संदीप वॉरियर। संदीप वॉरियर की बात करें तो जीरो विकेट, एक विकेट, जीरो विकेट, फिर आपके जीरो विकेट, फिर जीरो विकेट, मतलब सिर्फ एक विकेट मिला है इनको अभी तक TNPL के अंदर, मतलब इस सीजन में, तो इनको तो आप मतलब बेझिझक ड्रॉप कर देना, ठीक है। एस मोहन प्रसाद जो कि आपके एज एन इम्पैक्ट प्लेयर यूज होंगे, तो एक विकेट, फिर जीरो विकेट, फिर जीरो विकेट, फिर जीरो विकेट, फिर तीन विकेट, फिर उसके बाद दो विकेट, फिर दो विकेट, पिछले जो तीन मैच गए हैं इनके बढ़िया गए हैं, बाकी पिछले जो दो तीन मैच गए हैं वो खराब गए हैं, तो आप पिछले तीन मैचों के व्याप पर इनकी परफॉर्मेंस देखिए, ओवरऑल तो बढ़िया है, आप इनको टीम में रख लेना। आगे है एस लक्ष्य जैन। तो लक्ष्य जैन जीरो विकेट, फिर दो विकेट, फिर दो विकेट, फिर एक विकेट, फिर जीरो विकेट, फिर एक विकेट, लक्ष्य जैन भी ठीक ठाक आपके लिए पिक हो सकते हैं, आप इनको टीम में रख सकते हो, और जितने ज़्यादा हो सके VT के प्लेयर कम रखना, और आप प्लेयर्स ज़्यादा रखना NRK के, और अगर NRK की टीम पहले बैटिंग करती है तो फिर इनके दोनों के दोनों ओपनर्स को रख लेना, और नंबर तीन और नंबर चार को रख लेना, और बॉलर्स को भी नीचे रखना है ज़्यादा, ठीक है, क्योंकि सेकेंड इनिंग में ज़्यादा विकेट गिरते हैं, तो VT के प्लेयर हो सके तो बहुत कम रखना, आप निचले क्रम के इनके बल्लेबाज रखना VT के। तो गाइस आगे चलते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन की तरफ। तो देखो आपके लिए जो सेफ पिक रहेंगे कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए, वो आपके श्रीधर राजू हो सकते हैं, डैरिल फरारियो हो सकते हैं, सोनू यादव हो सकते हैं, एम पोएमोजी हो सकते हैं, जी अजीतेश, और फिर आपके अरुण कार्दे, ये तो आपके लिए कैप्टन वाइस कैप्टन रहेंगे सेफ, ठीक है। मेरे ख्याल से अगर आप रखना चाहो तो अरुण कार्दे को रख लेना आप कैप्टन, और वाइस कैप्टन जो रखना वो आप सोनू यादव को रख लेना, ठीक है, ये बढ़िया रहेंगे आपके लिए। रिस्की ऑप्शन अब आपको मैं बता देता हूं, तो एन राजगोपाल आपके लिए रिस्की हो सकते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए, आर राजकुमार, निरंजन आर भी आपके लिए अगर ग्रैंड लीग की टीम बना रहे हो तो फिर आपके लिए बढ़िया पिक रहेंगे ग्रैंड लीग में, ठीक है, और आपके ईश्वरन, ईश्वरन भी आपके लिए ग्रैंड लीग में अगर आप इन्हें कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हो तो फिर कर देना, बढ़िया रहेंगे। गाइज ये तो थे प्लेयर्स के स्टैट्स कैप्टन वाइस कैप्टन। अब फाइनल बात आती है ड्रीम इलेवन टीम की, कि ड्रीम इलेवन टीम में आपको किस प्लेयर को रखना है, किसे ड्रॉप करना है, और टीम कैसे बनानी है। तो देखो साइड में आपको मेरी टीम दिख रही होगी, ये मैंने अभी के लिए टीम बनाई हुई है, लेकिन ये मेरी फाइनल टीम नहीं है, फाइनल टीम आपको टॉस के बाद मिलती है हमारे टेलीग्राम चैनल पर। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, और टेलीग्राम चैनल पर आपको टीम देने का मतलब सिर्फ एक है, क्योंकि भाई जैसे ही आपका टॉस होता है, टॉस के बाद हमें सिर्फ 15 से 20 मिनट मिलते हैं टीम बनाने के लिए, और वो टीम मैं आपको यूट्यूब पर तो बता नहीं सकता, तो फिर आपको टेलीग्राम पर मैं फाइनलाइज करके कौन सा प्लेयर खेल रहा है, कौन सा प्लेयर नहीं खेल रहा है, वहाँ पर आपको टीम दे देता हूँ। तो टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन करके रखिए। बाकी इस वीडियो में इतना ही, वीडियो को लाइक करते हुए जरूर जाना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। बेस्ट ऑफ लक, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू।